हेलो दोस्तों, किसी भी बंदे के लिए यानी कि कोई एक पर्सन के लिए दिन भर कितने अमाउंट का विटामिन्स यानी कि मल्टी विटामिन्स जो है उसकी ज़रूरत रहती है। और क्या आपको पता है कि पूरे इंडिया में यानी कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है 136 करोड़, उसमें से करीबन 75% जो लोग हैं वो विटामिन्स की डेफिशिएंसी से जूझ रहे हैं, यानी कि 10 में से 7 लोग जो है उनको विटामिन्स की डेफिशिएंसी है। आज हम बात करने वाले ऐसी एक बढ़िया मल्टी विटामिन टैबलेट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज हम जानेंगे सुप्राडीन जो टैबलेट है उसके बारे में संपूर्ण जानकारी। आज हम जानेंगे सुप्राडीन टैबलेट के फ़ायदे क्या है, इस टैबलेट के कंटेंट्स क्या रहते हैं, सुप्राडीन टैबलेट का डोजेज क्या रहता है, सुप्राडीन जो टैबलेट है उसकी साइड इफेक्ट क्या है, एवं इस टैबलेट के साथ जुड़े हुए क्वेश्चन एंड आंसर्स। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल योर फार्मा फ्रेंड में। मैं हूं आपका दोस्त दिवान सोलंकी। सो लेट्स लर्न द न्यू थिंग्स। अब हम जानते हैं सुप्राडीन जो टैबलेट है उसके कंटेंट्स क्या है, जिसमें है विटामिन ए, कोलियोकैल्सिफेरॉल यानी कि विटामिन B3, मिथाइल कोबालामाइन यानी कि विटामिन B12, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B6, एस्कॉर्बिक एसिड, फॉलिक एसिड। मिनरल्स में अवेलेबल है मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड जिंक सल्फेट। साथ ही साथ जो अदर एलिमेंट्स रहते हैं यानी कि ट्रेस एलिमेंट्स रहते हैं उसमें है मैंगनीज, कॉपर, ऐसे कई सारे घटक जो है वो आपको स्क्रीन के ऊपर मात्रा के साथ दिख रहे होंगे। सुप्राडीन टैबलेट में पोटेशियम एवं आयोडीन अवेलेबल नहीं है, तो जिन लोगों को आयोडीन की कमी रहती है वो लोग ये टैबलेट का इस्तेमाल यानी कि सेवन ना करें। सुप्राडीन टैबलेट जो है वो OTC प्रोडक्ट है यानी कि ओवर द काउंटर मिलने वाली दवाई है। डॉक्टर जो है वो प्रिस्क्रिप्शन में भी ये जो दवाई है उसका जिक्र करते ही है, और ये आपको कोई भी मेडिकल स्टोर पे आसानी से मिल जाएगी। ये इसकी जो कीमत है वो बहुत ही किफ़ायती है। अब हम जानते हैं सुप्राडीन जो टैबलेट है उसके फ़ायदे के बारे में। सुप्राडीन टैबलेट में कोलियोकैल्सिफेरॉल यानी कि विटामिन D3 अवेलेबल है, तो ये जो टैबलेट है अगर आप कंज्यूम करते हो तो आपकी जो बोन स्ट्रेंथ है वो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव होती है, यानी कि जो आपके बोन्स हैं वो और ज़्यादा मजबूत होते हैं। सुप्राडीन टैबलेट में अवेलेबल विटामिन सी यानी कि एस्कॉर्बिक एसिड जो है, इसकी वजह से आपको अगर कोई छोटा मोटा घाव लग गया हो या आपको कोई चोट आ गई तो उसका जो हीलिंग है वो और ज़्यादा फास्टर होता है। साथ ही साथ इसकी वजह से यानी कि एस्कॉर्बिक एसिड की अवेलेबिलिटी की वजह से आपकी बॉडी में आयन का एब्जॉर्प्शन जो है वो और ज़्यादा बढ़ता है। सुप्राडीन टैबलेट में अवेलेबल विटामिन बी का पूरा कॉम्प्लेक्स, ये जो है इसकी वजह से आपकी जो बॉडी की स्ट्रेंथ है यानी कि आपकी इम्यूनिटी है वो और ज़्यादा बढ़ती है। अगर किसी पर्सन को ऐसा महसूस हो रहा है कि उसकी जो हेल्थ है वो और ज़्यादा वीक हो रही है, कमज़ोरी महसूस हो रही है, उसको भूख नहीं लगती है और उसको जो खाना वो कंज्यूम करता है उसमें से उसको अच्छे विटामिन या मिनरल्स नहीं मिल रहे, तो वो भी जो बंदा है वो सुप्राडीन टैबलेट का डेली कंज्यूम कर सकता है। सुप्राडीन टैबलेट की साइड इफेक्ट जानने से पहले मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बगल में दिए नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाली हर कोई वीडियो आप मिस ना करें। अब हम जानते हैं सुप्राडीन जो टैबलेट है उसकी साइड इफेक्ट के बारे में। देखिए, सुप्राडीन टैबलेट में बहुत ही कम साइड इफेक्ट देखे जाते हैं, लेकिन जो जनरल साइड इफेक्ट है वो है अगर आपने सुप्राडीन टैबलेट को सेवन किया है तो आपके स्टमक में डिस्कम्फर्ट महसूस होता है, नौशिया हो जाता है, वॉमिटिंग हो जाती है या डायरिया हो जाता है, कभी कभी एलर्जिक रिएक्शन हो जाता है जिसमें स्किन के ऊपर रैशेस हो जाते हैं, स्वेलिंग भी आ जाती है। अगर आपको इनमें से कोई भी साइड इफेक्ट बहुत ही लंबे समय तक महसूस हो रहा है तो आप तुरंत ही अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें। अब हम जानते हैं सुप्राडीन टैबलेट के डोजेज के बारे में। सुप्राडीन टैबलेट एक मल्टी विटामिन टैबलेट है। ये जो टैबलेट है वो आप खाना खाने के बाद सुबह एक टैबलेट लेने की सलाह दी जाती है। अब हम जानते हैं सुप्राडीन टैबलेट के क्वेश्चन के बारे में, जिसमें पहला क्वेश्चन है क्या सुप्राडीन टैबलेट प्रेगनेंसी एवं ब्रेस्ट फीडिंग महिला जो है वो सेवन कर सकती है। ठीक है, सुप्राडीन टैबलेट में विटामिन ए अवेलेबल है, तो प्रेग्नेंट महिला जो रहती है वो ये टैबलेट का सेवन ना करे, एवं ब्रेस्ट फीडिंग महिला जो है वो अपने डॉक्टर को कंसल्ट करने के बाद ही सुप्राडीन टैबलेट का सेवन करे। दूसरा क्वेश्चन है कि सुप्राडीन टैबलेट क्या ले रहे हो और साथ ही साथ अल्कोहल का सेवन करते हो तो ये क्या उचित है। देखिए, अगर आप अल्कोहल का सेवन करते हैं और सुप्राडीन टैबलेट का भी सेवन करते हैं तो ये आपको जो मल्टीविटामिन्स की ज़रूरत है वो ख़त्म नहीं होगी, ये आपको एडवर्स इफेक्ट और ज़्यादा बढ़ा सकता है। तीसरा क्वेश्चन है सुप्राडीन टैबलेट कितने टाइम में अपना असर दिखाना शुरू कर देती है। ठीक है, सुप्राडीन टैबलेट आप डेली एक कंज्यूम करते हो
तो विद इन 1 week to 2 week यानी कि 7 दिन से 15 दिन के भीतर ही आपको उसका रिजल्ट मिलना शुरू हो जाता है। तो ये थी सुप्राडीन टैबलेट के बारे में संपूर्ण जानकारी। मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़ोर से लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और सारे लोग सुप्राडीन टैबलेट के बारे में संपूर्ण जानकारी पा सके। एवं कमेंट करके हमें बताएं कि आप कौन सी प्रोडक्ट एवं डिशेज के बारे में जानना चाहते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और दवाइयों का सेवन करने से पहले उसका सही डोज जान लें। धन्यवाद।